आजकल सम्स प्रैक्टिस कर लो, देखिए और तो कुछ है नहीं। 20.1 पहला क्वेश्चन बोला है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक सेंट गुड्स, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक सेंट गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो अपना कस्टमर लोग को गुड्स बेचता है, कौन सा बेसिस में बाबू? सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब पढ़ाए थे आपको उस दिन हम लोग, या तो आप एक्सेप्ट करिए या तो आप क्या करिए रिजेक्ट। देखिए सेल और रिटर्न बेसिस में होता क्या है, देखिए सेल और रिटर्न बेसिस में होता यह है कि आप सामने वाला को ऑप्शन देते हैं कि आइदर यू एक्सेप्ट और यू रिजेक्ट, या तो आप एक्सेप्ट करिए या तो आप क्या करिए रिजेक्ट। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो अच्छा बात है, अगर रिजेक्ट करते हो तो भी अच्छा बात है, जो भी है बता दीजिए, एक्सेप्ट करना है तो बता दीजिए, रिजेक्ट करना है तो बता दीजिए। बोला है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस ड्यूरिंग 2017 सितंबर 15 को सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट अ कॉस्ट प्लस 33 1/3 कहा गया था, कॉस्ट प्लस 33 1/3। तो इन्वॉइस प्राइस है 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपया में सामान भेजे हैं, क्वेश्चन गया हो तो आप लोगों पास, 1 लाख रुपया में सामान भेजे हैं उसका वैल्यू कितना है, कॉस्ट प्लस 33 1/3। इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस इतना है उसमें 33% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। 20 तारीख को गुड्स रिटर्न कर दिया 40,000 का, वाह। 25 तारीख को लेटर मिला अप्रूवल का, बोला हम एक्सेप्ट कर रहे हैं 40,000 का सामान। और 31 तारीख को गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, 31 तारीख को सामान जो है वो वेटिंग कर रहे हैं लोग, मतलब वेट कर रहे हैं सामान के लिए। चलिए करके देखते हैं कि क्या आता है, सवाल कैसे बनेगा, कुछ नया नहीं है इसमें। लिखा हुआ है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स और रिटर्न ट्रांजेक्शन और ऑर्डिनरी सेल, ये सब फालतू का इंग्लिश लिखा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग द अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर। आपको साल का सवाल बनाना, आपको ये मान लेना है कि अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होता है। चलो हमको बनाना, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए, इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है कंपनी का, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या करने जा रहे हैं आप, जर्नल एंट्रीज, राइट। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने एक छोटा सा सुंदर सा फॉर्मेट बना लिया, पहले होगा डेट, फिर क्या होगा पर्टिकुलर्स, फिर क्या होगा बताइए, एलएफ, फिर होता है आपका डेबिट और आपका क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है जो अच्छा आप लोग बताएंगे, हम तो खाली बनाएंगे, सब सब में जो नया रहेगा वो सिखाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले कि सामान भेज रहे हैं, सामान हम लोग भेजे हैं तो सामान भेजने का एंट्री क्या होता है, कौन बताइएगा, बाबू बताइए। तो पहले डेट लिख देगा 17 सितंबर 15, सामान भेजेगा तो एंट्री क्या होगा बताइए, कौन बताइएगा, इतना अच्छा लगा ठीक है, एक साथ बताइए बाबू, यस डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, थोड़ा बोर्ड में ध्यान दीजिए प्लीज, चलो नहीं आए तो मैं क्लास रिकॉर्ड किया हुआ आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना रुपया बोलिए, 1 लाख का सामान भेजा ना, इसमें तो हमेशा आप लोग इनवॉइस प्राइस देते हैं 1 लाख रुपया, कोई दिक्कत ही नहीं है। नरेशन लिखवाए थे बट चलो लिख दे रहे आपने खुशी के लिए, सीन गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल या टू अप्रूवल या रिटर्न बेसिस कुछ भी लिख दीजिए, बिग गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल। उसके बाद सुनिए ना, 20 अक्टूबर का वो दिन था जब सामान रिटर्न कर दिया, देखते हैं कौन बताता है, रिटर्न का एंट्री बताइए, हर बताइए ना पूछेंगे रिटर्न का एंट्री, किससे पूछे, किससे पूछे, आप बोलिए सेल्स टू डेटर, राइट, मतलब सेल्स वो नहीं लिखे गए, एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखेंगे, रिटर्न इनवॉल्व अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना रुपया बाबू बताइए, 40,000। देखिए आप लोग अकाउंट टैक्स ये सब क्लास एबसेंट मत किया, एबसेंट कर दे रहे तो फिर आपको वो टॉपिक वहां से ब्रेक हो जाएगा फ्लो। रिटर्न इनवॉल्व टू डेटर्स यहां लिखेंगे बीन गुड्स रिटर्न। अच्छा नेक्स्ट, अब उतारिए मत साथ साथ, एक तो बैठा बैठा होगा। उसके बाद 25 तारीख को लेटर मिला अप्रूवल का, कौन बताएगा इसका एंट्री बताइए, लेटर ऑफ अप्रूवल का एंट्री बताइए, कौन बताएगा, लेटर मिला है
एंट्री बताइए, लेटर आया है, बोलिए। सेल डेबिट टू, इसका एंट्री नहीं होगा तो कुछ नहीं, इसका एंट्री नहीं होगा, लेटर मिलने का क्या है? हाँ, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ, समझे? कि लेटर मिलने का क्या एंट्री, जब आपको चिट्ठी मिला, चिट्ठी मिला अच्छा बात है ना, लेकिन पढ़िए चिट्ठी, चिट्ठी मिला तो पढ़िए, एंट्री क्यों मानने आ रहे? तो बता इसका एंट्री क्यों नहीं होगा, हमने आपको उस दिन पढ़ाया था। अगर सामने वाला कहता है हाँ, क्या कहता है हाँ, तो हाँ का कोई एंट्री नहीं होता है, वही हमने आपको पढ़ाया था। अगर सुनिए, अगर अगर एक्सेप्ट करता लेकिन हाई प्राइस में उसका एंट्री करते, लो प्राइस में उसका एंट्री करते। एक बात बताइए, हम आपको चिट्ठी भेजे तो आप बोलिए थैंक यू, क्या बोलिए थैंक यू, सब एंट्री होगा, बोलिए ना होगा। ये सीईओ का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक किताब में, हर एक राइटर का बुक में आपको ये सम्स मिलेगा, बस मेरे ना अमिताभ बसु, हनी मुखर्जी, नौनवारी और वासुदेव दत्ता, जितना भी बुक है चलता है, सब बुक में आपको ये वाला सम्स मिल जाएगा, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो बाबू बताइए कोई एंट्री होगा कि नहीं होगा, बस मेरा। तो जितना भी नोट्स वोट्स देखेंगे ना, जितना भी नोट्स देखेंगे सीयू के स्टूडेंट, जितना भी नोट्स अकाउंट से मिलेगा आपको, उस सारे नोट्स पे देखेंगे 99% सम्स जो है वो हनी मुखर्जी का बुक से और एक दो सम्स अमिताभ बसु का बुक से ही कॉपी किया हुआ है, बस समझ रहे ना। कॉलेजेस में भी जो टीचर लोग सम्स देते हैं एग्जाम्स में, कॉलेज के क्लासेस में, वो लोग भी तो कुछ कुछ कॉलेज के प्रोफेसर लोग क्या होते हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद क्वेश्चन बना लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बस मैं एक तो क्वेश्चन बनाया, एग्जाम इतना फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, बोलो उतना फाइनल अकाउंट निकल आएगा, एक तो सम्स निकालेगा उसमें जितना एडजस्टमेंट है, जितना एडजस्टमेंट होता है, 10 एडजस्टमेंट, 12 एडजस्टमेंट दे देगा, कॉलेज में एक तो देखेगा फोलिया लेके आएंगे, कॉलेज में जब आप जाएंगे तो हम लोग कॉलेज में जाते थे तो ऐसा होता था, टीचर एक तो पेज लेके आते थे, इतना बड़ा सम्स, वो क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन दो बच्चों को, बोला ना अभी बोलची तो सुन, ठीक है बोला हम लोग बोल रहे तुम्हें सुनो, सर बोलते जाते थे हम सुनते थे, उसके बाद सम्स बनाते थे, तो अपने बना रहे, अपने समझ रहे, अपने हम लोग का लिखा, क्योंकि अभी देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट अचानक से अगर मान लीजिए आप एक तो बड़ा सा सम्स दे देंगे तो आप तो झटका खा जाइएगा, तो स्टेप क्रोनोलॉजी होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके सम्स करिएगा, तो इस तरह से आपको थोड़ा डिफिकल्टीज वहां पे फेस करना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो 25 तारीख वाला का एंट्री क्यों नहीं हुआ, समझे बाबू नदीम, समझा 25 तारीख का एंट्री क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एक तो बस सीन है, लेटर मिल रहा, चिट्ठी मिल रहा, वो चिट्ठी मिलने का एंट्री नहीं होता है। और जी करेगो जो जो भी टॉपिक छूट जाएगा उसका आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा ध्यान, नहीं तो फिर छूट गया तो गड़बड़ जाएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है हम लोग के पास। 31 तारीख को सुनो, 31 तारीख को 20,000 रुपया गोडाउन में ऐसा है जो अभी भी इंतजार कर रहा है कि हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। कोई बच्चा बताइएगा वेटिंग फॉर अप्रूवल का कितना एंट्री होता है, बताइए, एक एंट्री होता है, दो, वेटिंग फॉर अप्रूवल का दो एंट्री मानना है दोस्त, वो दो एंट्री क्या मानने का है बोलो, दो एंट्री मानने का है। पहला एंट्री है, देखो पहला एंट्री कौन बताएगा बाबू, पहला एंट्री क्या होता है, अर्पिता नाम है ना बाबू आपका, अनामिका बोलिए बाबू, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, राइट, यहां पर कौन सा वैल्यू लेंगे, इनवॉइस प्राइस 20,000, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहां पर लिखेंगे बी सेल्स कैंसिल्ड। लास्ट एंट्री क्या होगा, देखिए कंप्लीट सवाल है, और एक तो एंट्री हुआ, कौन बताइएगा, किससे पूछे, क्या बॉयज जागो, क्राफ जागो, लड़के लोग कोई आंसर ही नहीं दे रहे, सिर्फ बच्चे लोग आंसर दे रहे, बोले आओ रास्ते बोले आओ, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हमने इसीलिए बोला था कि एंट्री होमवर्क करके आने के लिए, आपको एंट्री याद हो जाता टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, पर सवाल है अमाउंट कितना, हम 20,000 नहीं ले सकते, हम 20,000 नहीं ले सकते क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस है, कौन सा प्राइस है, इनवॉइस, हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस, क्या चाहिए बाबू, कॉस्ट प्राइस, मतलब आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हम यहीं पे निकाल दे रहे, देखिए 20,000 रुपया जो है वो 133.3333% के बराबर है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनवॉइस आएगा, यस और नो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते तभी तो इनवॉइस होता है जी, तो कॉस्ट है मान लीजिए 100, अब प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 33, 33 1/3 को जब आप कैलकुलेटर में करोगे ना तो आएगा 33.33333, क्या आएगा वो 33.33, तो 133.33 जितना भी 3 डाल सकते हो आप, ये हो गया इनवॉइस प्राइस। अब बिल का दाम कितना है, 20,000, देखिए 20,000 रुपया जो है वो कितना परसेंट के बराबर है बताइए, 1.33, तो देखिए 1.333 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको प्रॉफिट ही निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट, क्या निकालना है बाबू, कॉस्ट क्या निकालना है बोलिए, आप इसको ध्यान से समझिए, देखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस,
और इनवॉइस प्राइस बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में. एनी डाउट? क्वेश्चन में लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन 20,000 तो एक का वैल्यू कितना होगा 20,000 by 133.33. आपको निकालना कितना का वैल्यू है 100, तो 20,000 divided by 133.33 into 100 कितना आएगा बताइए? 15,000. पॉइंट ले रहा तो 15,000 ही लेंगे, वो राउंड अप का इफेक्ट चला सर. पॉइंट में क्यों आ रहा? राउंड अप हो जा रहा ना, क्योंकि कैलकुलेटर में जब आप कर रहे हो तो 33.333 इतना लंबा 3 आ रहा, उतना लंबा 3 तो आप नहीं लेंगे, आप 2 to 3 ले रहे हो तो उसका इफेक्ट तो दिखेगा कैलकुलेटर में. इसीलिए आंसर होगा कितना बोलिए 15,000. कोई दिक्कत? ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने का टेक्निक. 15,000 यहां पर बीन बात नहीं बाबू, स्टॉक लाइन विद क्या कस्टमर. अगर देखिए बार बार आपको बता रहे, अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ये वाला 5 मार्क्स में आएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 10 मार्क्स में आएगा. मोडालिटी दोनों का अलग अलग है, बस समझ लेना. तो ऑफलाइन होने से 5 मार्क्स में, ऑनलाइन होने से 10 मार्क्स में. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखिए प्रॉब्लम कभी भी कोई भी चीज जो आप पढ़ते हो ना क्लास में, तो क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्लास में वो वन टू वन मेथड में पढ़ाई कर रहे हैं. हम इक्टो सम्स बना रहे, टॉप बना रहे, टॉप सम्स बना रहे, टॉप बना रहे, तो उसमें कहां प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम तब होता है जब आपको एग्जाम में सारा टॉपिक एट द मोमेंट यूज करना होगा. आपको कंसाइनमेंट भी याद रहना चाहिए, आपको इंश्योरेंस क्लेम भी याद होना चाहिए, आपको फाइनल अकाउंट भी याद होना चाहिए, आपको सेल्स एंड अप्रूवल भी याद होना चाहिए. वो सबसे खतरनाक तो सिर्फ खतरनाक तो स्टैक्स है. इसमें तो चलो एक ही मेथड से बनेगा, थोड़ा बहुत जो गलत सही होगा. प्रॉब्लम तो स्टैक्स में इतना सारा फॉर्मूला है. अब उतना सारा फॉर्मूला एग्जाम के टाइम में एक ही मोमेंट में याद रहना बहुत डिफिकल्ट चीज है. ये एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, असल में ना, कि आपको कंबाइन का भी एसडी का फॉर्मूला याद रखना है, कलेक्टेड एसडी का फॉर्मूला याद रखना है, कंबाइन मीन का फॉर्मूला याद रखना है. तो इतना सारा फॉर्मूला इंटरपोलेशन करेंगे उसमें इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला है. तो ये सब चीज धीरे 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 से उसमें फॉर्मूला है, तो पूरा फॉर्मूला के ऊपर है. इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, घर में रिविजन करिएगा तो हो जाएगा. तो इसको ये समझ गया कैसे हुआ बाबू? तो यहीं पे इसको ऐसे ही उतार लीजिएगा तो रिविजन में सुविधा होगा. वर्किंग नोट वन कर दे रहे, तो एक बार देखिए ना प्लीज, हरवाना नहीं है अभी. वर्किंग नोट वन आपने समझे 15,000 कैसे आया? देखिए क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट प्लस 133%. कॉस्ट मान लीजिए 100 है, 33.33 के देख कितना बराबर के बराबर हो गया 133.33. तो अगर 133.33% का वैल्यू है 20,000, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 15,000. कितना होगा बच्चों? कॉस्ट हो गया 15,000. कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए आराम से. वन में और टू में फर्क क्या है वो देखते हैं. एस लिमिटेड, लेकिन खाली एंट्री अमाउंट खाली चेंज करेंगे. एस लिमिटेड सेंड आउट द गुड्स टू द डीलर इन सेल्स और रिटर्न बेसिस. देखिए तो ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाइवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास थ्रू द डेबो. ट्रांजेक्शन को लोग एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट करता है. फालतू इंग्लिश लिखा हुआ है. जस्ट बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर सच गुड्स हैव बीन सेंड टू डीलर. ये सारा गुड्स को वो भेजा है डीलर को 250 रुपया करके भेजा है, जिसका कॉस्ट था 200. कॉस्ट कितना था? 200. भेजे कितना में? कॉस्ट 200. कॉस्ट 200. भेजे हैं. ये वाला लाइन का बहुत बड़ा महत्व है आपकी जिंदगी में. ऑन सेलर रिटर्न एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट ऑन दिस ऑफ दिस गुड्स 50 वो रिटर्न, जिसमें से वो 50 हम भेजे हैं उसको 200 पीस, उसमें से 50 पीस वो रिटर्न कर दिया, 70 पीस बेच दिया. And for other goods, of date of return has not yet expired. बाकी गुड्स अभी भी वेट कर रहा है. तो ध्यान से सुनिए मेरा बात को. देखिए पहले बताइए हम भेजे कितना थे, पहले डेट चेंज कर देते हैं. डेट कितना हो? 31 दिसंबर को. सब जो हुआ है 31 दिसंबर को हुआ है. देखिए सबसे पहले 2000 कितना होगा बताइए? 17 दिसंबर 31. सामान भेजेंगे ना, सबसे पहले सामान भेजने का एंट्री क्या होगा? कितना पीस भेजे बताइए? 200 पीस, राइट? 200 पीस जो भेजे हैं वो कितना करके भेजे? 250 करके, राइट? 200 इंटू 250 के बच्चा करेगा कितना? 50,000, राइट? 50,000 आएगा शायद. देखिए
50,000, इधर भी कितना बाबू 50,000, ठीक है। अब देखिए, अब उसमें से क्या हुआ पता है, उसमें से 50 पीस वापस कर दिया, देखिए बोला है ना, जिसमें से ऑफ दीज गुड्स 50 वर रिटर्न, तो 50 आपका रिटर्न आ गया, 50 × 250, राइट, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, तो 50 × 250 करिए कितना, 12,500। देखिए ना, करिए अमाउंट चेंज कर रहे हैं, एंट्री तो सेम ही है। उसके बाद इसमें सब एंट्री 31 तारीख को ही मारने के लिए बोला है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि 70 गुड्स वो बेच दिया, मतलब देखिए हम इधर देखिए ना, हम भेजे कितना थे 200 पीस, उसमें से 50 रिटर्न कर दिया, 70 वो बेच दिया, तो बच कितना आ रहा है 100, टोटल 120 हो गया, बच कितना आ रहा है 80, राइट, देखिए भेजे कितना थे 200, उसमें से आप रिटर्न कितना कर दिए 50, बेच कितना दिए 70, तो बचा हुआ कितना हो गया, बोलो बोलो बोलो, समझे 80 कैसा आया, नहीं समझे बाबू, नहीं समझे ना, तो देखिए भेजे कितना थे 200, उसमें से बेचा कितना था बताइए, सॉरी रिटर्न कितना हो गया 50, बेचा कितना है 70, तो बच कितना गया 80 पीस सामान अभी भी इंतजार कर रहा है, वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर तो सेम एंट्री, तो एंट्री तो सेम ही होगा, सेल्स टू डेटर कैंसिल करने का एंट्री। अब आप सोचते होंगे सर कैंसिल करने का एंट्री क्यों, देखिए कैंसिल करने का एंट्री इसलिए क्या आता है, क्योंकि आप इनवॉइस प्राइस में भेजे हो, तो इनवॉइस प्राइस में का आपने पहले एक बार कैंसिल किए, फिर जो एक्चुअल प्राइस है उसका स्टॉक का एंट्री कर दी, इनवॉइस प्राइस से कैंसिल ये करके हम लोग मांगते हैं कि हम लोग का बिका नहीं है, साल खत्म हो गया लेकिन अभी तक ये बिका नहीं है, तो देखिए इधर कितना होगा वो बताइए ना, कितना क्वांटिटी होगा बताइए 80, समझे 80 कैसे आया, 80 × यहाँ पे कितना लेगा 250 या 200, अरे वाह यही तो मेन लॉजिक था, 250 × 200 कितना 20,000, यहां पर भी 80 ही होगा, लेकिन ये क्यूपी क्यूपी आपको समझने के लिए लिख रहे हैं हम, 80 × यहां पे कितना बोलो 200, बस यही तो पढ़ाई था भाई, 16,000, राइट, कॉपी कर लीजिए, यहां पर आपको समझने के लिए लिख दे रहे 200 पीस भेजे थे 50 को रिटर्न कर दी, 50 रिटर्न, 80 सोल्ड, सॉरी 70 सोल्ड, 80 स्टॉक वेटिंग, समझने के लिए लिख रहे, लिख सकते हैं आप आगे कॉपी करिए, कोई डाउट हो तो बोले फिर बता देंगे। थ्री में आइए ना, मॉडर्न इलेक्ट्रिक, ये वाला कॉपी किया ना बाबू साहब, ये वाला थ्री वाला देखिए, मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सेंड किया है इलेक्ट्रिकल हीटर, कॉस्टिंग 100 रुपया, दाम था 100 रुपया अपना कस्टमर को, दीज आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल एंड पास टू द सेल्स डेबो, फालतू का इंग्लिश में लिखा रहता है, अ फ्यू डेज बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कोई यूज नहीं है, 120 हीटर्स वर सेंड आउट एट अ इनवॉइस प्राइस ऑफ 150 ईच, हीटर बेचा है ना, तो हीटर का कॉस्ट प्राइस कितना था 100, कितना था बाबू 100, हम लोग भेजे कितना रुपया करके बोलिए 150, कितना करके बाबू, कितना पीस भेजे बताइए 120, Of these 10 are accepted by customer. इसमें से 10 तो customer accept किया, क्या पगला है बोलिए, 10 तो accept किया, वो भी 140 रुपया करके, हम भेजे कितना करके थे बताइए 150, भेजे कितना में थे बोलो ना, लिया कितना में 10 रुपया कम accept किया है, और उसका real cost price था 100, तो cost price का काम last में आता है, last में काम बोलिए तो stock निकाला है, तो आप भेजे कितना रुपया करके थे बोलो 150, अब लोग एक्सेप्ट कितना में किया 140, वो भी पगला सिर्फ 10 पीस एक्सेप्ट किया, कितना पीस बोलिए 10 पीस, और बाकी का कोई रिपोर्ट नहीं आया, मतलब हम भेजे थे 120 पीस, 10 पीस एक्सेप्ट किया, 110 पीस के बारे में ना हाँ बोल रहा ना बोल रहा, आपको जनरल एंट्री पास करना है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, सर झमेला नहीं है, रेट वेट को कुछ झमेला नहीं है इसमें, देखिए सर पर बोर्ड पे देखिए ना प्लीज, अब बना लेंगे खुद से भी बना लेंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है, मेरा ड्यूटी है तो बता रहे आपको, देखिए पहले डेटा टू सेल कितना पीस भेजे बताइए, आपको बताइए कितना पीस भेजे बोलिए ना, खाली लैंग्वेज समझना होगा, और कितना करके भेजे 150, कितना होगा जी 120, 18,000, इतना नुकसान करा दीजिए आप कंपनी में 18,000, रिटर्न विटर्न का कोई झमेला नहीं है, बट हाँ इस बार एक्सेप्ट किया है कैसे बोली, तो हाई प्राइस में कि लो प्राइस में, लो प्राइस, वाह लो प्राइस, तो किसी भी लो प्राइस में एक्सेप्ट करेगा एंट्री, कौन बताएगा आपको,
सेल्स टू डेटर, इसको रिवर्स मार दीजिएगा हो जाएगा, सब लिखवाया हुआ है। सेल्स टू डेटर 110 पीस खाली एक्सेप्ट किया ना, आ कितना रुपया कम में क्या बोली तो 10, 150 में भेजे थे 140 में एक्सेप्ट किया, कितना कम किया 10, कितना हो गया जी 100, इधर भी कितना है 100, यहां पर लिखेंगे बी एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस। उसके बाद अच्छा अच्छा देखिए, हम 120 पीस भेजे थे, 10 पीस एक्सेप्ट किया तो बच कितना गया, 110। कितना बच गया बोलिए 110। आप लोग बताइए ना 110 जो लेंगे यहाँ पे क्वांटिटी में कितना लेंगे 110, अब प्राइस में क्या लेंगे 150 लेंगे ना 100 लेंगे 150, यहाँ पे तो सेल्स इनवॉइस प्राइस देते हैं कितना बोलो 16,500, यहाँ पे हमेशा इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, कितना था बाबू 100, तो 110 इंटू 100 कितना होगा बताइए, कितना प्लीज कॉपी कर लीजिए, हो गया बन गया, कॉपी कर लीजिए, समझे कि नहीं समझे बोलिए, कॉपी कर लीजिए पहले।